अच्छी थी सर। रेटिंग अगर दूंगा तो 3/5 दूंगा। इसके जो डायरेक्टर है नारायण सिंह, ही हैज़ डायरेक्टेड ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा। सो वो भी मूवी थोड़ी सी लंबी थी, ये भी मूवी थोड़ी लंबी थी, दोनों ही सोशल कॉज पे बनी पिक्चर है। बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा था। शाहिद कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस श्रद्धा कपूर का भी रोल अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यू विल गोना एंजॉय दैट मूवी। देखिए यामी का रोल काफ़ी लिमिटेड है, जितना रोल है काफ़ी क्यूट सा है उनका रोल। और मतलब अगर मूवी को सेक्शन में डिवाइड किया जाए तो मूवी हैज़ लाइक सेक्शंस अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड कोर्ट रूम। सो कोर्ट रूम हमेशा थोड़ा सा यू नो इट्स ऑलवेज ग्रिपिंग राइट, एंड थोड़ा सा मुझे वो भी एक्सपेक्टेड था, बट थोड़ा कोर्ट रूम फनी है राइट एंड वो भी मतलब एन्जॉयबल है। सो आई वुड से कि यामी के साथ उनका कनेक्शन ऐसा वो नहीं दिखाया गया, मतलब वन साइडेड लव होता है उनका, बट लाइक आई विल नॉट गोइंग टू रिवील दैट, बट ओवरऑल आई गेस केमिस्ट्री अच्छी है। आई गेस इसमें देखिए किसी इंडिविजुअल पे बहुत फोकस नहीं किया गया है, सारे किरदार हैं जिनका अपना अपना आई गेस इम्पॉर्टेंस है पूरी मूवी में। एंड मोर देन दैट आई गेस जो मूवी का जो मतलब जो सोशल कॉज उठाया है कि हाउ एग्जैक्टली लाइक यू नो कॉमन पीपल आर स्ट्रगलिंग, बी इट लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा विच वॉज अ डिफरेंट कॉज एंड दिस इज़ अ डिफरेंट कॉज, सो मुद्दा उठाया गया है। और जो मूवी का अगर आप थीम पूछोगे मुझे तो थीम ये है कि लाइक यू नो at times it's not important that you win in the end or not, it's important to actually go ahead and fight against something what you believe in that it's happening wrong. So that was the thing. Kya kuch movie social cause ke sath kya kuch message deti hai ye bataiye. Dekhiye social cause mere khayal se movie ka jo ek overall jo message hai wo yahi hai ki like you know there are a lot of things which are actually happening in day to day life, as common people we are actually struggling with a lot of things, but what we do is this, that we simply like to comment and we feel that you know the government should do something about it, or you know someone else should do something about it, but you know one of us should be the one who should actually go ahead and collectively do something about it, because jab tak koi uthke kuch bahut drastic nahi karta hai, koi suicide na kar le, tab tak we don't pay attention on all these things, and ye galat hai. That's the thing. Direction wise ye movie aapko kaisi lagi? देखिए सर नारायण सिंह का डायरेक्शन है तो वो बहुत डिटेलिंग करते हैं, मतलब वो खुद भी एक एडिटर हैं आई थिंक। थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि बीइंग एन एडिटर उन्होंने लाइक ही हैज़ बीन एन एडिटर फॉर लाइक स्पेशल 26, MS धोनी, जितनी भी नीरज पांडे की मूवीज़ हैं उसमें उन्होंने एडिटिंग की है। सो ये सारी मूवीज़ जो मैंने बोली हैं काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। बीइंग एन एडिटर आई बिलीव कि थोड़ा सा और एडिट करके चले तो अच्छा है, क्योंकि ये मूवी भी 2 घंटे 43 मिनट्स की थी राइट, 2 hours 43 minutes इज़ लाइक टू मच। सो आई थिंक इवन इस मूवी में भी कुछ ऐसे सीन्स या कुछ कम से कम 17 या 20 मिनट तक हटाया जा सकता था, बट आई थिंक बीइंग एन एडिटर एंड देन अ डायरेक्टर एज वेल, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ डायरेक्टर्स कॉल। सो आई फील थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, बट आई थिंक उसका भी एक लॉजिक है कि यू नो यू गॉट टू बी वेरी मच इन टू द मूवी। अगर आप सब कुछ एडिट करके सिर्फ मूवी पर ध्यान देंगे तो अक्सर यू नो यू लूज द जेस्ट ऑफ द लाइक सिंपलनेस ऑफ द मूवी। सर 3/5 बोली की बात की जाए तो आपको मूवी कैसी लगी? बहुत उम्दा, जबरदस्त, मस्त, शानदार। और डायरेक्शन वाइज बात की जाए, डायरेक्शन श्री नारायण सिंह ने इसका डायरेक्शन किया है, टॉयलेट एक प्रेम कथा भी उन्होंने ही बनाई थी। और लेकिन अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा की तुलना मैं बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से करूं तो उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा मस्त फिल्म ये बनी हुई है। तो एक्टिंग की बात की जाए तो आपको सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? माशाल्लाह शाहिद कपूर ने पूरा दिल जीत लिया है। पद्मावत फिल्म में बहुत ही सीरियस किरदार उनका दिखा था, राजा की भूमिका में वो यहाँ पे थे, लेकिन एक वकील है इस फिल्म में बत्ती गुल मीटर चालू में, और एक ऐसा वकील जो 7.5-8 साल में तो उसने अपनी वकालत पूरी की है और पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन जब उसका दोस्त सुसाइड कर लेता है तो इस वजह से वो एक बहुत बड़ा आंदोलन ले आते हैं, बहुत बड़ी क्रांति है मीटर के सामने। केमिस्ट्री की बात की जाए तो किसकी केमिस्ट्री दोनों में अच्छी लग रही है? तीनों ही कलाकार बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। शाहिद कपूर है, श्रद्धा है, श्रद्धा जो है शाहिद कपूर के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन एक्टिंग भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या है कि एक जगह दिल टूट गया क्योंकि शाहिद कपूर से वो प्यार नहीं करती। देखिए सबसे जो खास चीज़ है वो यूके का है, वहाँ की जितने भी गंगा हैं, बहुत स्थल है, वो सारी चीज़ें दिखाई है, कैमरे का काम बहुत अच्छा हुआ है, और सबसे खास बात जो है वहाँ की डायलॉग डिलीवरी है, जो श्रद्धा कपूर जैसे कि कहाँ जा ठहरा है, अरे सुनना बल, तो इस तरह के जो 2-3 डायलॉग हैं श्रद्धा और उस पर सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती, एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी आँखें बंद कर लेंगे या कुछ नहीं देखना चाहेंगे। 4 साल। थैंक यू।
अच्छी फिल्म है यार, इट्स अ नाइस फिल्म, क्या उसे कहते हैं, जिस जो मैसेज प्रोटोग्राफ करना चाहते थे वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आया है। हालांकि थोड़ा सा फिल्म की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, आज की डेट में 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म थोड़ी ज़्यादा लगती है, 2 घंटे 20 मिनट कम हो सकते थे अगर इस फिल्म के, तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती। हाँ, कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो वैसे बेस्ट यू नो डायरेक्टेड पार्ट है फिल्म का, बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। बाकी का भी जो फिल्म का डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उत्तराखंड को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया, वैसे तो है ही ब्यूटीफुल, लेकिन द क्रेडिट गोज़ टू द DOP ऑफ द फिल्म, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फिल्म को शूट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़बरदस्ती के सीन डाल दिए खाली उत्तराखंड दिखाने के लिए, उस सीन के साथ ही मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से शूट किया, इट वॉज़ अ वेल डायरेक्टेड फिल्म। शाहिद कपूर, शाहिद कपूर हैंड्स डाउन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, कुछ कुछ सीन्स है स्पेशली कोर्टरूम ड्रामा में जहाँ ही स्टील्स द शो, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की उन्होंने। इसको मैं दूंगा 3.5। थैंक यू सो मच। बत्ती किलोमीटर चलो, 1 घंटे बहुत इम्प्रेसमेंट फील आया, मतलब लग रहा था छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन जो आधे घंटे था ठीक ठाक थे, क्योंकि जब सीरियस जब सीन चलाना चाहिए। कॉन्टेंट मूवी का बहुत अच्छा था, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कॉमेडी से वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लोगों ने, लेकिन वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था। जब भी कॉमेडी ऐसा टाइप आ रहा था ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेसमेंट फील हो रहा था। जो सीरियस का सीन था ना वो अच्छा लगा, और कुछ वर्ड यूज किया उनने, बल ठहरा ऐसे टाइप का, मतलब रास नहीं आ रहे थे, हम लोग तो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं जो भी हो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। हो सके दूसरे वर्ड में जो टॉयलेट बनाई थी अच्छी थी मूवी, कॉमेडी लग रही थी, मतलब इसमें मतलब बोले जो एक्सपेक्टेशन था ना, जो एक टेलर देखने के बाद गाना के बाद जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था मूवी का वो है नहीं मूवी में। और इंटरवल के बाद जो भी कोर्ट ड्रामा उनने देखा है वो तो बाहियात है, बहुत बहुत कॉमेडी भी नहीं हो पाया, कॉमेडी एक मज़ा आता है ना, मज़ा नहीं आ रहा था, सिर्फ बहुत बेकार लग रहा था मेरे को। एंडिंग तो पता ही नहीं, एंडिंग को और थोड़ा एक स्मूथली दिखाना चाहिए, वो दिखाया नहीं एंडिंग में, एंडिंग में बीच में थोड़ा एंडिंग में हैप्पी एंडिंग जो होता है वो एंडिंग नहीं दिया। तो डायरेक्शन का, उत्तराखंड का लोकेशन अच्छा लगा मेरे को, जो भी है लोकेशन अच्छा है, और एडिटिंग इतना लंबा मूवी बनाया पहले, क्या बीच में कुछ भी बकवास डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबा मूवी, 2 घंटा 45 मिनट का मूवी है, 2 घंटे का मूवी होना चाहिए था। और क्या बोलूँ, डायरेक्शन लोग करेक्टर में शाहिद कपूर का अच्छा, सबसे अच्छा शाहिद कपूर, फिर दोनों जो दिव्यांशु और श्रद्धा कपूर, यार ठीक है, ठीक ठाक है। नहीं स्टोरी कंटेंट बोलो अच्छा है, लेकिन कंटेंट एक है, एक पेज का है, बत्ती गुल मीटर चल, बस इतना ही है कि बत्ती गुल होती मीटर उसका चलता रहता है, बस इतनी। उसमें उनने बहुत ज़्यादा घुसेड़ दिया मैटर, 1.5 घंटे का मूवी बनाओ या 2 घंटे का मूवी बनाओ, 3 घंटे क्या जरूरत है मूवी बनाने का, 1 घंटा जो इतना बेकार है ना शुरू में कितने लोग भाग जाएंगे, सही बता रहा हूँ। एक आप अगर मूवी देखो, आप नहीं देखा, अगर आप देखो ना 45 मिनट या 1 घंटे बहुत ज़्यादा ही है, इम्प्रेसमेंट फील आता है बहुत ज़्यादा। और गाना भी देखा है तो ठीक है, गाना अगर 6 मिनट का तूने 1 मिनट ही दिखाया, हर गानों को 1-1 मिनट ही बनाया, अरे गाना को बढ़ा दो वो ज़्यादा बेटर रहता, गाना नहीं गाना को शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। वो जो डायरेक्टर खुद वो सीरीज बना रहे हैं जो भी है, वो एडिटर खुद है, वो खुद ने उन्हें एडिट किया, उन्हीं को जो भी क्रेडिट जाता है, तो उन्हीं का ये गलती हुआ है जो। और सीरियस मूवी को रखना चाहिए, क्योंकि ये मैटर सीरियस है भाई, ठीक है, पर आजकल हर कोई कॉमेडी कर रहा है, हर कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई भी हो, PM, CM सब कॉमेडी कर रहे हैं आजकल, लेकिन कुछ एक जगह होती है जहाँ कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है। आप हाई कोर्ट में ऐसा कर रहे हो, स्कोर पूछ रहे हो, अरे कितना स्कोर हुआ, मतलब अजब हो गया, अरे यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। लास्टली आई विल गिव 2 स्टार रियली, टू। मूवी इज़ गुड, मतलब देखा जाए तो इतनी बोरिंग मूवी नहीं है, बट हाँ इसको काफ़ी लंबा खींचा गया इस मूवी को, जो कि वो कम आवर्स में कर सकते थे। और श्रद्धा कपूर की एक्टिंग वाइज बात की जाए तो श्रद्धा कपूर ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की है, और शाहिद भी पहली जो उसने मतलब जितना फ्लॉप हो रहे थे और अब वो जो अपना न्यू कमर्स दिखा रहा है उसमें भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑल कैरेक्टर्स आर वेरी गुड, वेरी गुड, सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग वाइज पर्सनैलिटी वाइज एवरी थिंग इज गुड। शाहिल ने उसमें 8 साल की मतलब स्ट्रगल पीरियड दिखाया, उसने 8 साल मतलब वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है मतलब, बट जब उसके फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने फ्रेंड के लिए अपने फ्रेंड के जस्टिस के लिए वो वकालत में एंट्री करता है। मतलब जिस तरीके से उसमें कोर्ट रूम को दिखाया गया वो गलत तरीका है, मतलब इतना भी हंसी मजाक नहीं होता वो।
डायरेक्शन वाइज उनका लास्ट मूवी भी बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया था और ये मूवी भी उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, तो आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 3। ओके।